सर जो है हमारा फिल्म फेस्टिवल करने का या जो आर्ट एंड कल्चर की बाकी एक्टिविटीज़ भी हम करते हैं वो मकसद समझने की ज़रूरत है। कोई सियासत नहीं है, ना हमने करनी है, ना हमें इंटरेस्ट है, लेकिन कश्मीर के अवाम, कश्मीर के यूथ को एक एक्सपोजर देना है फिल्म का। फिल्म में हम थोड़ा लैग करते हैं, हम थोड़ा पीछे हैं फिल्म बनाने में, फिल्म देखने में, फिल्म समझने में। कश्मीर में फिल्म फेस्टिवल होना चाहिए। एक फिल्म फेस्टिवल बच्चा है यहाँ का, अभी ये एस्टेब्लिश नहीं हुआ है, लेकिन जब एक दिन आएगा, एस्टेब्लिश हो जाएगा, इस फिल्म फेस्टिवल की वजह से भी कश्मीर जाना जाएगा या कश्मीर की वजह से ये फिल्म फेस्टिवल जाना जाएगा। वो हमारी एक मतलब हमारा हदफ, हमारा टारगेट वही है। उन्होंने कहा ये फिल्म फेस्टिवल बच्चा है, ये बच्चा लड़खड़ाएगा, ये बच्चा गिरेगा, इस बच्चे ने मुश्किल से चलना सीखा है, लेकिन ये बच्चा दौड़ेगा। पहला कदम ये उठा चुके हैं जो कि हमेशा सबसे मुश्किल कदम होता है। अब धीरे धीरे जो पगडंडियां हैं वो पगडंडियों से रास्ते बनेंगे और फिर ये आशा है कि ये एक्सप्रेस वे की तरह ये फेस्टिवल हर किसी को यहाँ से जोड़ेगा। हमारी कोशिश इस फेस्टिवल के द्वारा यही रही है कि आने वाली पीढ़ी को आकर्षित किया जाए, टू मेक देम लव सिनेमा, टू मेक देम अंडरस्टैंड द मैजिक ऑफ सिनेमा, एंड दैट इज व्हाई इन सो मेनी वेज वी आर ऑल हियर। बहुत इंपॉर्टेंट है उनके लिए जो स्टूडेंट्स हमारे यहाँ हैं, और उनको एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है, स्टूडेंट्स को एक प्लेटफॉर्म स्टूडेंट्स को मिल जाता है ये कि वो इसमें इंटरेक्ट भी करते हैं और कुछ अपनी बात भी कहते हैं। और स्टूडेंट फिल्म बहुत दिखाई जाती हैं इसमें हर बार, और जो स्टूडेंट्स फिल्म दिखाई जाती है, शायद बहुत से स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि पहली बार यूनिवर्सिटी और कॉलेज के बाहर उनकी फिल्म जो उन्होंने बनाया है वो कोई देखता है, अप्रिशिएट करता है या उस पर कॉमेंट करता है। और जब तक उनकी फिल्म पे एक इम्पार्शियल न्यूट्रल आदमी कॉमेंट ना करे, देखे ना, समझाए ना उनको, तो इम्प्रूवमेंट नहीं होती है। मैंने देखा है एंथुसियाज्म बच्चों का, स्टूडेंट्स का बहुत ज़्यादा होता है फिल्म फेस्टिवल्स में। हम उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत कामयाब है, बहुत अच्छी कोशिश है। लेकिन चूंकि अल्लाह का फजल हुआ कि मेरे पास बहुत ज़बरदस्त फैकल्टी ऑलरेडी मिल जाती है मुझे डायरेक्ट, तो पहले एडिशन में मैंने वहाँ से दो टीचर्स मंगवाए थे, एफटीआई के रेगुलर टीचर्स जो वहाँ पे लेक्चर्स देते हैं उनको बुलाया था। सेकंड में उनके एक विजिटिंग लेक्चरर थे पंकज सक्सेना साहब, वो भी आपके सामने यहाँ आए थे, तो उनके साथ मेरा टाई अप है और उनका आशीर्वाद हमारे पे है। एफटीआई हो या नेशनल फिल्म आर्काइव्स ऑफ इंडिया हो, उनसे मैं फिल्में मांगूँ, स्टाफ मांगूँ, टीचर्स मांगूँ, वो देते हैं। मैं ये समझता हूँ ये इसकी बुनियाद डालेगा आगे चल के जो, और आज देखिए बांग्लादेश से भी आ रहे हैं, ईरान से भी आ रहे हैं, तो वहाँ तक बात तो पहुँच गई ना। आई एम श्योर इन कमिंग ईयर्स वील गेट हॉलीवुड पीपल टू कम हियर, तो टैलेंट तो वहाँ से उठेगा ना। तो ये प्लेटफॉर्म बन जाता है, दैट्स व्हाट आई फील। होती है कि मैं कश्मीर वर्ल्ड फिल्म फेस्टिवल का एक हिस्सा बन पाया हूँ, मैं जयपुर से ताल्लुक़ रखता हूँ और आज इतना मीडिया को देख के और ये बहुत अच्छा लग रहा है कि फिल्म फेस्टिवल को इतना सपोर्ट मिल रहा है। कश्मीर वर्ल्ड के मैप पे टूरिज्म के लिए तो पॉपुलर है ही, पर आप लोगों का सपोर्ट रहा तो कश्मीर फिल्मों के मामले में भी वर्ल्ड मैप पे बहुत जल्दी ऊपर आने वाला है। और जिस ढंग से कश्मीर वर्ल्ड फिल्म फेस्टिवल काम कर रहा है तो यहाँ का यूथ फिल्म डायरेक्शन में, स्टोरी राइटिंग में, एक्टिंग में बहुत जल्दी बहुत बड़ा मुकाम पे पहुँचने वाला है, ऐसी मेरी शुभकामनाएँ।